वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आ गया हूँ और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने। जैसे कि सैटरडे संडे है, हॉलीडेज़ होगा तो आप लोगों को मूवी देखने का मन होगा, तो आपके पास ले आया हूँ टॉप 5 मूवीज़ जो कि डिफरेंट डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। 5 ऐसा मूवी है जो 5 डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, मगर सस्पेंस थ्रिलर सब कुछ भरा पड़ा है। आपको मैं वादा करता हूँ, आपका ये जो हॉलीडे है सैटरडे और संडे का, ये वेस्ट नहीं जाएगा देखने के बाद ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, और नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक कन्नड़ा मूवी से जो कन्नड़ा इंडस्ट्री मूवी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। जो मूवी का नाम है रंगी तरंगा। जब भी आप मूवी को देखेंगे बाहर से आपको लगेगा कि ये लव स्टोरी है, मगर जब कहानी का पर्दा उठेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये कहानी के अंदर एक मिस्ट्री छुपा है, जिसको आपको जानने के बाद आपके दिमाग का तोते उड़ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, ये मूवी आपको हिंदी में मिल जाएगा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। कहानी के बारे में बताऊं तो ये मूवी शुरू होता है एक लव स्टोरी से। कहानी में मेन 3 रोल है, गौतम, इंदु एंड और संध्या, ये तीनों मेन रोल है इस मूवी में। आपको मूवी देखने के बाद मालूम हो जाएगा कि कितना सस्पेंस मूवी है ये मूवी है। आप जब भी ये मूवी देखेंगे तो आपका कमज़ोर दिल वाले लोग ये मूवी को थोड़ा कम देखें। ये मूवी में सस्पेंस थ्रिलर सब कुछ भरा पड़ा है। ये मूवी में सस्पेंस का इतना ज़्यादा खेल खेला गया है, जैसे कि आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड सभी फीकी लगेगी आपको। थोड़ा सा बताऊं तो मूवी के बारे में बहुत आसान है। एक लड़की है जो पुलिस के हिसाब से मर चुकी है, मगर वो जो गौतम है मेन रोल, उसके साथ रह रही है उसके बीवी बन के, तो उसको ढूंढना है। तो ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हो रहा है, ये मूवी को देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। एंड जब आप मूवी को ख़त्म करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि ये मूवी को आप 5 से 5 रेटिंग देंगे और आपको ये मूवी बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूवी जो आता है वो तमिल मूवी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। फिल्म का नाम जो है वो है रत्सासन, और वो मूवी अभी तक तेलुगु में भी आ गया है और हिंदी में भी आपको बिल्कुल फ्री यूट्यूब में मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये इंडियन सिनेमा हॉल की सबसे बेस्ट थ्रिलर मूवी है। फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ बताओ तो ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री के हिसाब से है, जिसमें अलग अलग लड़की को टॉर्चर करके उसका मर्डर करके उसका बॉडी पार्ट को अलग अलग जगह पे डिस्पोज किया जाता है, और हर एक मर्डर के पीछे एक गिफ्ट बॉक्स होता है कि वो नेक्स्ट मर्डर का क्या लिंक रहेगा बोल के। तो ये मूवी आप देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग ये मूवी को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, और इस मूवी में बहुत ज़्यादा थ्रिलर, सस्पेंस सब कुछ आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट मूवी है थ्रिलर की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूवी जो आता है हमारे लिस्ट में वो तेलुगु इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। मूवी का नाम है अरविंद 2। लगभग 2.5 घंटे का मूवी है, मगर ये मूवी में आपको 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मूवी बोरिंग लग रहा है। ये मूवी में भी साइको किलर है जो अलग अलग तरीके से लोगों को मर्डर करता है। ये मूवी तेलुगु इंडस्ट्री का बॉक्स ऑफिस का धज्जिया उड़ा दिया है। ये मूवी का बजट था 3.6 मिलियन का, मगर जो बॉक्स ऑफिस का बजट निकला है 10 मिलियन डॉलर उनको मिला है फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस। सस्पेंस थ्रिलर सब कुछ मिल जाएगा ये मूवी में, और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है यूट्यूब में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ये मूवी भी देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। नेक्स्ट मूवी जो हमारे लिस्ट में आती है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, और ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है, साइकोलॉजिकली थ्रिलर मूवी है।
मूवी का नाम है मिसिंग। मूवी के मेन रोल पे आपको मिल जाएंगे तब्बू, मनोज भाटिया एंड अनु कपूर। आपको तो मालूम होगा तब्बू का रोल था जो दृश्यम में, और वो मूवी में भी कितना सस्पेंस था। उसी तरह ये मूवी में भी बहुत सारा सस्पेंस है, साइको किलर के ऊपर भी है। कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो जो तब्बू एंड मनोज भाटिया हैं वो बाहर जाते हैं घूमने के लिए उनके 3 साल की बेटी के साथ, और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनके बेटी गुम हो जाती है। और वो क्यों गुम हुआ, कैसे गुम हुआ, आपको मूवी देखने के बाद मालूम हो जाएगा। और ये सबसे सबसे अच्छा मूवी है हिंदी। तो हमारे लिस्ट में जो लास्ट मूवी है वो ओडिया इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। मूवी का नाम है 2014 फियर ऑफ द ईयर। सस्पेंस तो नहीं है मूवी में, मगर आपको इतना ज़्यादा हॉरर मिलेगा ये मूवी में। मेरे हिसाब से ओडिया इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा हॉरर मूवी यही है। मेरा सलाह यह है, कमज़ोर दिल वाले ये मूवी को कभी मत देखिए। बहुत ही बहुत हॉरर सीन है ये मूवी में जो आपका दिमाग हिला देगा। 2014 को ये मूवी रिलीज हुआ था। मेरे हिसाब से आप लोग तो देखे नहीं होंगे ये मूवी को, मगर ये मूवी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में है। आप एक बार देखेंगे तो मेरे को मालूम है आप लोग ये मूवी को भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। मेन रोल में आपको मिल जाएंगे संबित आचार्य, इली पाढ़ी, दुष्मंत पांडा, मौसमी नायक। अगर मैं ये मूवी का थोड़ा सा डायलॉग बताऊं तो ये मूवी का जो मेन डायलॉग है इन ओडिया, तमे माने समस्ते मरीबो।